हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से माय स्मार्ट बिहार के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार की डेली ब्रेकिंग न्यूज 25 ताजा खबर हर एक सुबह मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, बिहार में 94,000 पदों पर शिक्षकों की भर्ती होनी है। अब तक 38,000 शिक्षकों का चयन किया जा चुका है, लेकिन बीच में पंचायत चुनाव की वजह से नियोजन प्रक्रिया रोक दी गई है। प्राथमिक शिक्षकों के लिए नियोजन की तारीख 14 दिसंबर से 22 दिसंबर निकाली गई थी, लेकिन शाम इसे फिर से रद्द कर दिया गया है। माध्यमिक शिक्षकों का नियोजन शेड्यूल भी जनवरी से पहले नहीं आ पाएगा, और इस मामले में शिक्षा विभाग के अपर सचिव ने ये बातें कही है। वैशाली के श्रम प्रवर्तन प्राधिकारी दीपक कुमार शर्मा के ठिकानों पर निगरानी विभाग ने छापा मारा, और इस कार्रवाई में लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर के पटना और मोतिहारी के ठिकानों पर छानबीन की गई। शाम तक जारी कार्रवाई में उनके पास करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी होने की जानकारी मिली है। पटना में उनके आवास से ही करीब 2.25 करोड़ रुपये कैश में बरामद किया गया। इसे गिनने के लिए अधिकारियों को बैंक से मशीन मंगवानी पड़ी है। इससे पहले निगरानी टीम ने रेड के लिए कोर्ट से सर्च वारंट भी ले लिया था। और अपनी आवाज़ से लोगों को दीवाना बनाने वाले भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार पवन सिंह के एक और नए गाने ने धमाल मचा दिया है। तुमसा कोई प्यारा टाइटल वाला यह गाना अभी YouTube पर नंबर 3 पर ट्रेंड कर रहा है। इस गाने को 24 घंटे से भी कम समय में 6 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं। यह तेज़ी से वायरल हो रहा पवन का यह गाना गोविंदा और करिश्मा कपूर की फिल्म खुद्दार के सुपरहिट गीत तुमसा कोई प्यारा का भोजपुरी वर्जन है। अग्निखोर बिहार की महिला राज्य कार्यक्रम प्राधिकारी और पटना एम्स के एक डॉक्टर सहित पटना के 6 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। महिला डॉक्टर ने कोई ट्रेवल हिस्ट्री अभी तक नहीं बताई है, लेकिन हाल ही में उनके विदेश यात्रा को लेकर चर्चा है। आपको बता दें कि इसमें 67 साल तक के संक्रमित शामिल है। राज्य स्वास्थ्य समिति में 2 डॉक्टरों के संक्रमित होने के बाद अब संपर्क में आने वालों की टेस्टिंग कराई जा रही। खबर, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की शादी के बाद पूरे परिवार पर भड़के साथ हुई यादव पर लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने करारा जवाब दिया। तेज प्रताप ने ट्विटर के जरिए कहा कि हम बिहार आएंगे तो उनका गर्दा उड़ा देंगे, हिम्मत है तो सामने आकर कृष्ण से भिड़े, कंस का वध निश्चित है, भगवान ने भी कंस का वध किया था और अब हम भी अपने मामा का वध करेंगे। अगली खबर, ओमिक्रॉन की दहशत के बाद वैक्सीनेशन की रफ्तार तेज नहीं है। कोरोना की संभावित तीसरी लहर को लेकर सरकार ने राज्य के सभी 38 जिलों को अलर्ट पर रखा है। बड़ा टास्क दिया जा रहा है, जिससे वैक्सीनेशन में तेजी आए। अब तक बिहार में कुल 8,89,54 लोगों को वैक्सीन कराया गया है। सरकार का टारगेट है कि ज़्यादा से ज़्यादा आबादी को कोरोना वैक्सीन देकर सेफ कर लिया जाए। वैक्सीनेशन में मनमानी करने वालों को अब खोज कर वैक्सीनेट किया जाएगा। और बिहार में पंचायत चुनाव में बड़े बड़े सुरमा हार गए। सहरसा जिले के सलखुआ पंचायत से डिप्टी सीएम तारकेश्वर प्रसाद के चचेरे भाई राकेश कुमार भगत को मुख्य चुनाव में मात्र 45 वोट मिले। अररिया की तारन पंचायत से पूर्व मंत्री सरफराज आलम के साले को करारी हार मिली है। आरजेडी की प्रदेश प्रवक्ता ऋतु जायसवाल के पति सिंह वासनी पंचायत से मुखिया का चुनाव जीत गए। वहीं औरंगाबाद के कुंडवा प्रखंड से किरण सिंह ने जिला परिषद क्षेत्र संख्या 24 से 16,159 वोट से जीतकर रिकॉर्ड बना लिया। नालंदा में बिहार सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री श्रवण कुमार के साले सुधीर कुमार के घर चोरी हुई। चोरों ने लॉकर तोड़कर 2 लाख कैश समेत 20 लाख रुपए की संपत्ति चुरा ली। आपको बता दें कि वारदात को अंजाम देने के लिए सीढ़ी के सहारे घर में चोर घुसाए, इसके बाद सो रहे लोगों को कमरे को बंद कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। सुबह जब घर के लोगों को चोरी की जानकारी मिली तो वह दंग रह गए। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मचा है, आसपास के लोगों की भीड़ लग गई है। इधर घटना की सूचना मिलते ही नालंदा पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन में जुट गई है। खबर, रोहतास में पुजारी की गोली मारकर हत्या। पंचायत चुनाव खत्म होने के बाद अब हिंसा की खबरें आ रही। रोहतास जिले के बघेला ओपी में एक पुजारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अस्पताल ले जाने के क्रम में पुजारी की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार बघेला थाना क्षेत्र के सियावक गांव में उस वक्त यह वारदात हुई जब रोज की तरह पुजारी बिजली उपाध्याय हनुमान मंदिर में आरती दिखा रहे थे। तभी चुनाव में पराजित एक मुखिया प्रत्याशी वहाँ पहुँचा और पुजारी को गोली मार दी। मुंबई के जंगलों में मिली 1 क्विंटल अमोनियम नाइट्रेट। जमुई जिले के झाझा थाना के चुकपनिया जंगल से 1 क्विंटल अमोनियम नाइट्रेट, एक मास्केट और एक देसी पिस्टल बरामद किया गया। इसके लिए जमुई पुलिस सीआरपीएफ और एसटीएफ की संयुक्त टीम ने सर्च अभियान चलाया था। सर्च अभियान की जानकारी देते हुए जमुई एसपी प्रमोद कुमार मंडल ने बताया कि नक्सलियों के द्वारा किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की प्लानिंग थी। जिले में सक्रिय नक्सली कमांडर पिंटू राणा के द्वारा जमुई पुलिस को नुकसान पहुंचाने के लिए षड्यंत्र रचा गया था। इसी के तहत जंगल में जमीन के अंदर खोदकर विस्फोटक छुपाया गया था।
साधु यादव के शब्द तोड़ बयान से सिर्फ तेज प्रताप यादव ही नहीं भड़के बल्कि उनकी सेना भी भड़क गई। छात्र जनशक्ति परिषद के युवाओं ने तेजस्वी और तेज प्रताप के मामा साधु यादव का पुतला पटना में फूंक दिया। छात्र जनशक्ति परिषद के प्रदेश अध्यक्ष प्रशांत प्रताप यादव ने कहा कि हम लोगों ने साधु यादव के पुतले के रूप में उनके अंदर के कंस मामा को जलाया है। परिषद ने साधु यादव को हिसाब से रहने की चेतावनी भी दी है। अगली खबर, किसानों की घर वापसी के साथ ही टिकारी बॉर्डर को खोलने की कवायद शुरू हो गई। जेसीबी पहुंच गई है जो कंक्रीट के ढांचे तोड़ रही है। दिल्ली पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेड हटाए जा रहे। वहीं दूसरी तरफ सदर के एसपी वसीम अकरम ने बॉर्डर का दौरा किया। उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही रोहतक दिल्ली नेशनल हाईवे नंबर 9 पर वाहनों का आगमन शुरू हो जाएगा। आपको बता दें कि कृषि कानून वापस ले लिए गए हैं और किसानों की अन्य मांगों पर संयुक्त किसान मोर्चा व केंद्र सरकार के बीच सहमति भी बन गई है। ऐसा होते ही किसान भी घर लौट गए। अगली खबर, बिहार के सिवान जिला निवासी आईपीएस अधिकारी हरिनारायण चारी मिश्र इंदौर के कमिश्नर बनाए गए। मध्य प्रदेश में 40 सालों के बाद पुलिस प्रणाली में कमिश्नरी सिस्टम की शुरुआत हुई है। आईपीएस अधिकारी हरिनारायण चारी मिश्र को इंदौर और मरकंद देवस्कर को भोपाल का कमिश्नर बनाया गया है। इंदौर के कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र बिहार के सिवान जिला निवासी हैं। जिले के छोटे से गांव से इंदौर के कमिश्नर तक का सफर तय किया। इस बारे में उन्होंने बहुत जानकारी नहीं दी है। बिहार की खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार की डेली ब्रेकिंग न्यूज 25 ताज़ा खबर हर एक सुबह मिलती रहे।